छात्रों प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसके अंतर्गत या जो चलाया जा रहा है उसमें प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम की जो परियोजनाएं हैं वह उसके विषय में हम आज आप लोगों को बताएंगे। प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाईं और आज चल भी रही हैं, जिनमें कुछ परियोजनाएं मुख्य हैं। जैसे पहले हम लिख दे रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं। तो प्रारंभिक शिक्षा के संचालन हेतु प्रारंभिक शिक्षा के संचालन एवं उसके विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम संचालित किए गए और बहुत सी योजनाएं तैयार की गईं जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए जो कार्यक्रम संचालित किया गया या जो परियोजनाएं संचालित की गई उनमें से मुख्य हम आपको बताएंगे। उसमें पहला है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं ओबी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब कि बहुत सी योजनाएं जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अध्यापकों का की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षकों के विशेष अनुसंधान कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा परियोजना बीपीपी, मतलब इस तरह से कुल करीब 15 परियोजनाएं हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए आज इस समय संचालित हो रही हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है आखिर क्या, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संचालित की गई, प्रस्तावित की गई और लागू की गई, उस समय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्यक्रम का उसमें उल्लेख किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या ऑपरेशन से तात्पर्य है कि युद्ध स्तर पर अभियान चला करके किसी कार्य को शीघ्र ही से शीघ्र पूरा करना, अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा युद्ध स्तर पर, माने यह नहीं कि शिथिलता पूर्वक, युद्ध स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम संचालित करके ऑपरेशन करना, मतलब उसमें जितनी भी चीज़ें को कमियां हैं उसको दूर करना, शिक्षा बेसिक शिक्षा से संबंधित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया। ब्लैक बोर्ड का नाम क्यों लिया गया कि ब्लैक बोर्ड जो है वह विद्यालय की शिक्षा का मुख्य एक प्रतीक है। एक बिना ब्लैक बोर्ड के, जैसे बिना शिक्षक के शिक्षा संभव नहीं है, उसी प्रकार से बिना ब्लैक बोर्ड के शिक्षा संभव नहीं, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पड़ा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों स्कूलों में पाठ्य सामग्री, उपकरण,
तथा न्यूनतम आवश्यक शिक्षक की उपलब्धता, उसकी व्यवस्था करना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत रखा गया। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या रखा गया है, किस प्रकार से शिक्षा संचालित हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मुख्य रूप से ये सुविधाएं दी गई हैं। नंबर एक, पहली सुविधा दी गई है दो पक्के कमरे जिसमें जो है सामने बरामदा हो। इसके अंतर्गत पहला जो सुझाव दिया गया है दो पक्के कमरे बरामदा सहित, ये तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जरूर हो। नंबर दो, विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए लिए आवश्यक अध्यापक। नंबर तीन, विद्यालय में अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्रियां, ये इसमें मुख्य रूप से ये सुविधा प्रदान करना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये सुविधाएं आपको प्रदान करना है। नंबर एक की कम से कम कि विद्यालय में दो पक्के कमरे बरामदा सहित, ये नहीं क्यों कमरा हो उसके ऊपर से बरामदा हो, यह बहुत मस्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत। दूसरा, विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए आवश्यक अध्यापक होना, आवश्यक अध्यापक होना बहुत जरूरी है, इसलिए अध्यापकों की नियुक्ति, अच्छे अध्यापकों का कम से कम अध्यापक नियुक्त हों जो कि अच्छी शिक्षा दे सकें। और तीसरा क्या है कि पढ़ाने के लिए जैसे आवश्यक सामग्री जैसे उपकरण, खिलौना, श्याम पाठ, नक्शा, चार्ट, पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री क्रियाएं जो हैं वो स्कूल में अवश्य हों, तो ये इसकी जो सुविधाएं दी गई हैं। नंबर चार, खेल के मैदान एवं उसके उपकरण हों। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं जिससे कि बच्चे का प्राथमिक स्तर पर इसका जो है बच्चों का विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, तो ये चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत होती हैं। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं, सरकार के प्रारंभिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तैयार करने में क्यों तैयार किया गया, इसकी क्या विशेषता है, इससे किस प्रकार से विकास होगा, तो इसकी विशेषताएं जो है वो इस प्रकार हैं। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाना, पहली विशेषता यह है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कि कक्षा कक्ष को कक्षा कक्ष को कक्षा कक्ष को क्या बनाना, आकर्षक बनाना।
पहली विशेषता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए साफ सुथरा कमरा होना चाहिए, कक्षा की लिपाई पुताई होनी चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे सूक्तियाँ लिखी होनी चाहिए। इस तरह से पहला इसकी विशेषता होती है कि विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को आकर्षण बनाना। नंबर दो, बाल केंद्र एवं कार्य बाल एवं शिक्षण विधियों को उसकी गुणवत्ता के अनुसार शिक्षण देना। कहने का मतलब कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में अध्यापक सीखने की क्रिया जो होती है, अधिगम शिक्षण अधिगम जो होता है, नंबर दो शिक्षण अधिगम को सुगम बनाना। दूसरी इसकी विशेषता है कि शिक्षण अधिगम जो हो वो अच्छे से अच्छे शिक्षण विधियों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सके। नंबर तीन, अध्यापकों एवं छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना। मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत अध्यापकों में और छात्रों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक हों, प्रत्येक मद में अधिक से अधिक धन दिया जाए, बालकों को अच्छे से शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया जाए, खेल कूद के मैदान की व्यवस्था की जाए। यह सब चीज़ें जो होती हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में विशेष तौर पर उसकी विशेषताओं में गिना जाता है। इस तरह से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा अच्छी से अच्छी प्रारंभिक शिक्षा देने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। धन्यवाद।